तो गैस काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मन में एक डॉट होती है, खास करके फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं ये स्पेशली बना रहा हूँ गैस। जब भी कोई स्टूडेंट कोई सा भी फॉर्म भरता है तो उनके एक मन में एक ज़रूर जहन से बात उठती है कि यार उसमें जो सिलेक्शन हो जाने के बाद ट्रेनिंग कैसा होता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डॉट तो जरूर होता है। तो सो गैस मैं इसमें बिहार दरोगा के ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगा कि इसमें जॉब लग जाने के बाद ट्रेनिंग कैसे होता है, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप इस ट्रेनिंग के बारे में जानिएगा तो बहुत ही दिलचस्प आपको आएगा, ठीक है। तो एक बार जॉब निकल जाए फिर तो आपका लाइफ मज़ा आ जाएगा। आप लोग न्यू हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना गाइस, और आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जाना और बेल आइकन इसलिए दबाना नहीं भूलना गाइस। मैं इसी तरह का इस सारा वीडियो आप लोग पास लेते आता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर जॉब अपडेट इवन कई सारा चीज़ मैं आप लोग के पास लेके आता रहता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर। सो बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। सो आप लोग गाइस एक बार बस जॉब निकल जाना फिर तो आपका लाइफ बदल जाएगा, ज़िंदगी का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वो लाइफ आप लोग को जो मज़ा आएगा ना वो सीन देखने लायक है। जब ट्रेनिंग टाइम में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट के आपके बच्चे मिलेंगे, कई सारे स्टेट के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। और कुछ इसी तरह मिलेंगे जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपका ट्रेनिंग रूम का है, आप जिस टाइम ट्रेनिंग कीजिएगा सबसे पहले आप जाइएगा तो आपका गेटवे वेरीफिकेशन होगा, फिर अंदर में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, ठीक है। फिर आपको रूम लॉट किया जाएगा, हर चीज़ आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देगा, मतलब जो भी होना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा, खाना पीना हॉस्टल वगैरह, हाँ सब कुछ देगा। बट एक चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा अगर खर्च कर रहे हैं सपोज दैट आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो एक बेसिक चीज़ है जिसको आप लोग जानिएगा। और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को वो चीज़ बताया जाएगा गाइस, ठीक है। ये कुछ आप लोग का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। और इस ट्रेनिंग सेंटर में हर चीज़ आपका बहुत बड़ा कैंपस है गाइस, ठीक है। मैं वो भी आप लोग को सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उस कैंपस में आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपका जो भी है गेम वगैरह या जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्ट रखते हो, सिंगिंग डांसिंग इवन हर चीज़ का फैसिलिटी अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और वो आप अपना दिखा भी सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज़ सिखाया जाएगा, बेसिकली ये आप लोगों को सिखाया जाएगा जैसे कोई भी क्राइम है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्राइम को किस तरह आप लोग को सॉल्व करना है, किस तरह आप लोग को एक मतलब कुल मिला के मैंने किस तरह अपने आपको अपने एरिया को कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो भी कैदी है मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा दबंगई टाइप का इंसान है उसको किस तरह निगरानी रखना है, बेसिकली आप लोगों को यही सब कई तरीका से दिखाया जाएगा। आपको पुराना वो दिखाया जाएगा कि किस किस तरीका का आतंकवाद हुआ, बेकायदा आपको डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया जाएगा, बिल्कुल हर वो चीज़ आप लोग को सिखाया जाएगा जो चीज़ आप देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको मार्केट में उतारा जाएगा, मार्केट मतलब आपको जहाँ भी है ज्वाइनिंग के लिए जाएगा। पहले आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है, किस तरह आपको लड़ना है, ठीक है, जो भी आपका आतंकवाद वगैरह से नहीं, आप लोगों को जो भी मतलब होता है ना एक आप लोग जो छोटा मोटा डॉन ठरकी मान लो या कई तरह का इंसान सो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, सिक्सर गन या कई तरह का, तो ये सारा कुछ आप लोग को सिखाया जाएगा। बेसिकली आप लोग को रोज़ ट्रेनिंग में तो एक्सरसाइज तो रोज़ होगा, ऐसा कोई सा दिन नहीं है जिस दिन आप लोग को एक्सरसाइज ना किया हो। फिटनेस वगैरह हर चीज़ आपको मेंटेनेंस रखने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। खास करके बिहार दरोगा में और सब एग्जाम में चलने वाला है, बट खास करके बिहार दरोगा में आप लोग को हर चीज़ कुछ इसी तरह का लेफ्ट राइट वगैरह जो भी है, ठीक है, इस तरह आप लोग को ट्रेनिंग होगा बकायदा। फिर इसके बाद आप लोग को मतलब कुल मिला के हर वो चीज़ जो भी चीज़ आप देखते हैं ना अपने डेली लाइफ में कि एक एक दरोगा क्या क्या कैम होता है, ठीक है, लिखने यहाँ तक आपको लिखना भी सिखाया जाएगा। आप अगर इंग्लिश जानते हिंदी नहीं जानते वो तक भी बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और आपके पास हिंदी कोई लेके चला है मान लीजिए कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा चीज़, ठीक है, और कई तरीके का आपको कारतूस बंदूक गन वगैरह के बारे में बताया जाएगा, बहुत मतलब कई मतलब जो भी होता है ना गन बंदूक जो भी आप देख रहे हैं डेली लाइफ में वो सारा कुछ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो कुछ यही सब है आप लोग को और यही ट्रेनिंग आपका लगभग काफी टाइम तक चलता है। और ये ट्रेनिंग के बाद आपको मार्केट में मतलब फील्ड में उतारा जाता है, फिर इसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग होता है, फिर इसके बाद आप जिंदगी का एंजॉय लेते हैं, कुछ इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग का अगर सिलेक्शन होगा इंटरव्यू होगा, ठीक है, सॉरी इंटरव्यू नहीं होता है, मेडिकल होता है शायद गाइस आप लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग का आप लोग नालंदा जाओगे जो मैंने आप लोग को स्क्रीन पे दिखाया, ठीक है, और उसके बाद आप लोग वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा गेट पे, फिर अंदर में वेरिफिकेशन होगा, फिर हॉस्टल लॉट किया जाएगा उस दिन, ठीक है, उस दिन थोड़ा सा आप लोग को मुलाकात होगा एक दूसरे से, फिर कल आप लोग को एक कैंपस में बुलाया जाएगा, फिर उस दिन आप लोग एक क्लास समझ लीजिए, क्लास की तरह आप लोग को समझाएगा, ठीक है, ये इस तरह क्लास नहीं, ये तो आपका एक शोरूम है मतलब शोरूम का सेमिनार है, ठीक है, और एक क्लास होगा उसमें आप लोग को बैठाया जाएगा और आपको अपने पहले जो भी आपके मतलब बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आएंगे और वो
आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, पहला दिन ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को बताया गया था कुछ ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो बकायदा आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों नॉलेज दिया जाता है गाइस, ठीक है। बेसिकली आई होप कुछ यही था और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अगर और भी कुछ जानना है कि नहीं, और भी मुझे वीडियो चाहिए वहाँ का, तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं कोशिश करूँगा वीडियो भी लाने का। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ वीडियो के बारे में। सो थैंक यू।